बहुत पुराने समय से बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि सच्चे प्यार का पौधा हमेशा ही फलता फूलता है, सच्चा प्यार न तो कभी मरता है और न ही कभी खत्म होता है, वो तो हमेशा ही निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह से मैं एक इंसान तथा एक लड़की की कहानी आप लोगों के सामने सुनाना चाहती हूं। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना तथा दूसरों को शेयर करना। बहुत पुराने समय की बात है कि बहुत गरीब घर की लड़की और एक अमीर घर का लड़का, जो कि साथ में रहते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि तुम एक दूसरे को साथ रहना क्यों चाहते हो, क्योंकि वो इतने छोटे बच्चे थे, उन्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता था। आप जहां भी जाते इकट्ठे ही रहते, खेलते कूदते, अपने घरों का काम करते, उन्हें पता ही नहीं चला वो कब बड़े हुए और कब उनका प्यार परवान चढ़ा। लेकिन जो गरीब की बेटी थी, उनका इतना गरीब काम था कि दो समय का भोजन भी उन्हें मुश्किल से मिलता था। लेकिन जो बेटा था अमीर का, उसे तो पता ही नहीं था कि तेरे पास कितना कुछ है। अब उसने लड़की से कहा, जो ही वो जवान हुए, कि मैं तेरे से प्रेम करता हूं और तेरे से शादी करना चाहता हूं। लेकिन लड़की ने अपने घर के हालात देखकर, अपने माता पिता की दशा देखकर, उसको बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतने गरीब की बेटी हूं, तेरा बाप इतना अमीर है, और जहां मेरी इज्जत नहीं होगी वहां मैं जाके क्या करूंगी, इसलिए तू मुझे भूल जा। अब लड़के के पिता को इस बात का पता चलता है, कानों कान उसके बाप पास बात पहुंचती है, लड़का भी आग्रह करता है कि फलां लड़की से मेरी शादी कर दो, लेकिन पिता उसे विदेश भेज देता है पढ़ने के लिए, और लड़की अपने वहीं गांव में रहकर अपना गुजारा करती है, माता पिता के साथ मिलकर काम करती है। अब लड़का तो विदेश चला जाता है, लेकिन लड़की बड़ी हो जाती है और उसकी शादी की चिंता उसके पिता को होती है। वो अपने जैसा ही गरीब देखकर उस लड़की की शादी कर देता है और वो शादी होकर चली जाती है। लड़की इतनी अच्छी होती है कि गरीब पति को इतना मान सम्मान देती है और सोचती है कि यही मेरा स्वर्ग है। अमीर लड़के के प्यार को तो वो यूं भूल जाती है या भूलती नहीं है, लेकिन अपने पति के साथ वफादारी करती है, कोई बेवफाई नहीं करती। अब उसका पति भी मजदूरी करता है, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब क्या होता है कि उनके पास एक ऐसा टूटा फूटा घर है, बरसात होती है तो चारों तरफ टपका आता है, कभी इधर सामान उठाते हैं, कभी उधर उठाते हैं, उसके घर के किवाड़ होते हैं टूटे फूटे होते हैं, जिनको कि बंद करके उसे कुछ न कुछ सामान उनके आगे अड़ाना पड़ता है कि कभी कोई रात को खोल ना ले, और यदि कोई खोल ले तो ये सामान गिरेगा तो हमें पता चल जाएगा। उसका पति वर्षक प्रयत्न करता है कि अपनी पत्नी को खुश रखूं, और वो जितना भी होता है करता है, लड़की भी उसी में खुश होती है। अब तीज का त्योहार आता है, सभी औरतें अच्छे कपड़े पहनती हैं, झूलने के लिए जाती हैं,
लेकिन उस बेचारी के पास न तो नए कपड़े होते हैं और न ही उसे कोई झूलने के लिए बुलाता है, क्योंकि गरीब थी। सभी सोचते थे इसके पास कपड़े वगैरह तो नहीं हैं, कोई काम करवाना होगा तो करवा लेंगे, इसको झूलने के लिए क्या ले जाना। उसका पति दोपहर मजदूरी से आता है और एक नई चुन्नी लेकर खरीद कर आता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, मेरे पास इतना ही था कि मैं आपको नई चुन्नी दे सकूं और ये चुन्नी पहनकर ओढ़ कर तू झूलने जा सकती है। आप जो ही वो चुन्नी ओढ़ कर निकलती है, क्या देखती है कि कई साल की बात हो चुकी होती है और वही अमीर का लड़का आगे से आ जाता है, क्योंकि वो विदेश से अपने घर आया हुआ था। अब वो उस लड़की को देखता है कि बहुत मामूली से कपड़े हैं और वो एक चुन्नी ओढ़े हुए है, इसमें कितनी खुश है। वो लड़की से मिलता है और वो कहता है कि आज भी मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूं, यदि तू इस गरीबी में फटे हाल में इतनी तंग है तो मेरे साथ क्यों नहीं चलती। अब वो कहती है कि मेरा पति इतना अच्छा है कि मैं उसे भगवान मानती हूं, जो उसका सामर्थ्य है उसके अनुसार मुझे सब कुछ देता है। अब अमीर का लड़का कहता है, क्या देता है, तेरे पास कपड़े नहीं हैं, तेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले, कोई बात नहीं, फिर भी मैं खुश हूं, मेरे पति ने आज मेरे को ये चुन्नी ला के दी है। मैं सोचती हूं कि ये चुन्नी तो हीरे जवाहरात से जड़ी हुई है और मैं इसे ओढ़कर बहुत खुश हूं, क्योंकि कम से कम मेरे पति के दिल में बहुत जगह है। अब अमीर का लड़का कहता है, जगह तो मेरे दिल में भी है। अब वो बातें करते करते चले जाते हैं। लड़की झूलने के लिए जहां औरतें झूल रही होती है वहां चली जाती हैं और लड़का अपने घर चला जाता है। अब जो ही वो झूल रही होती हैं, तूफान आता है, सावन का महीना होता है और इतनी बरसात हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और तहस नहस होने के बाद गांव का गांव बह जाता है। अब जो लड़कियां वहां झूल रही थी, कोई कहीं पड़ती है, कोई बह जाती है, कोई पेड़ पर मिलती है, कोई कहीं मिलती है, लेकिन वो गरीब की बेटी को एक फट्टा मिल जाता है और उस फट्टे पर सवार होती है और पानी में बहती चली जाती है। कई दिनों तक वो उस फट्टे पर ही पानी में बहती है और बेहोश हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि तू कहाँ है, जिंदा है या मुर्दा है। अब अमीर का लड़का बच जाता है और वो उसे उसकी तलाश में लग जाता है। अब कई दिनों के बाद कहते हैं कि कई जो है ना पानी में से निकाली हुई लाशें फला जगह पड़ी हुई हैं। अब अमीर का लड़का वहां जाता है और उस लड़की की तलाश करता है कि उसकी लाश ही मिल जाए तो मैं कम से कम उसे दफना तो दूं। अब क्या देखता है कि दूर पानी के अंदर फट्टे पर एक लाश तैरती जा रही है और किश्ती वालों को कहता है कि वो फट्टे पर लाश जा रही है, उसे निकाल कर लाओ। अब वो तो पैसे वाले का लड़का था, किश्ती वाले गए और उस फट्टे को निकाल कर लाए। अमीर का लड़का देखता है कि ये तो वही लड़की है जिससे तू प्यार करता है। अब उस लड़की के जो सवनुमा शरीर था उसमें सांस तो चल रही थी, लेकिन वो एकदम से कोमा में जा चुकी थी। उसको अपने घर ले आता है, अपना काम भी करता है, बिजनेस भी करता है, लेकिन उस लड़की की इतनी सेवा करता है जैसे कि ये जिंदा हो। नए नए कपड़े पहनाता है, उससे प्यार करता है, लेकिन वो कोमा में होती है, उसे कुछ पता ही नहीं होता। उस लड़के का प्यार सच्चा प्यार था, वो हमेशा ही जो ही बाहर जाता है
उससे प्रणाम करके जाता है। जो ही घर में एंट्री करता है, आते ही उससे प्यार करता है और कहता है, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू यदि ऐसे भी रहेगी तो भी मुझे संतोष है, तो भी मैं तेरा ऐसे ही ख्याल रखता रहूंगा। अब एक दिन क्या हुआ, उसका दोस्त उसके साथ आया और उसने कहा कि तूने इस लाश को अपने घर में क्यों रख रखा है, तू इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना अमीर है, तेरे पास तो इतनी लड़कियों के रिश्ते हैं कि कोई भी अच्छी लड़की देखकर शादी कर सकता है। अब अपने दोस्त को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, तू सच्चे प्यार को समझता ही नहीं है, मैंने कभी बचपन में इससे प्यार किया था और वो मेरा प्यार आज भी बरकरार है, मैं इसे ऐसे खोना नहीं चाहता। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो सच्चा प्यार है वो कभी नहीं मरता है, चाहे वो अपाहिज ही क्यों न हो, चाहे वो बेसुध ही क्यों न हो, चाहे वो कोमा में ही क्यों न हो, प्यार करने वाला फिर भी उसकी परवरिश करता है, उसकी खिदमत करता है और अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। मैं समाज को यही समझाना चाहती हूं कि यदि प्यार करो तो निस्वार्थ भाव से करो, यदि स्वार्थ भाव से करोगे तो प्यार नहीं है, जैसा कि उस अमीर लड़के ने किया था। यही था मेरा वीडियो, यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया करके शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।